हेलो एवरीवन वेलकम टू आई यूट्यूब चैनल और आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर थर्टी वन से कंटिन्यू कर रहे हैं और ये पेपर है यूजीसी नेट फॉरेंसिक साइंस पेपर टू जून टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री का पेपर जो हम सॉल्व कर रहे हैं हमने थर्टी एथ क्वेश्चन तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है हम सिर्फ और सिर्फ आंसर्स पे फोकस नहीं कर रहे हैं उनके पीछे के कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस कर रहे हैं एंड किस तरीके के कौन से एरिया से क्वेश्चन और आ सकते हैं सिमिलर कॉन्सेप्ट से ये भी डिस्कस कर रहे हैं तो ये सारा डिस्कशन करते करते अगर हंड्रेड क्वेश्चन हम कवर करेंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी इस वजह से हमने इसे ब्रेक कर दिया है मल्टीपल वीडियोज़ में तो आपको ये सारी की सारी वीडियोज़ एक प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी जैसे आप क्वेश्चन नंबर वन से लेके पूरा क्वेश्चन नंबर हंड्रेड तक कवर कर सकते हो डिफरेंट वीडियोस के थ्रू ताकि आप एक बार में थको भी नहीं और थोड़ा थोड़ा करके सारा कुछ सॉल्व कर लो ओके सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर थर्टी वन जो कि कहता है द कलर डॉट्स कलर डॉट्स एम्बेडेड इन टू पेपर ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ द सिक्योरिटी और सेफ्टी इज नोन एज अ पेपर नोन एज पेपर इज तो ये क्वेश्चन डॉक्यूमेंट का क्वेश्चन है अच्छा एक वीडियो मैं और बना दूंगी रिलेटेड टू टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री इसमें से कौन से उनसे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं ये हम डिस्कस कर लेंगे पहले ये सॉल्व कर लेते हैं ठीक है द कलर्ड डॉट्स एम्बेडेड इन टू पेपर ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नोन एज पेपर्स ठीक है यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटी फीचर्स की हम बात करते हैं सो इसमें ऑप्शन आपके पास सिक्योरिटी थ्रेड वाटर मार्क काउंटर फीड प्रोटेक्शन सिस्टम कोड एंड प्लाचलेट्स तो इसका करेक्ट आंसर है ये थोड़ा सा डाइसी क्वेश्चन है ठीक है सो so यहाँ पर आप मिस इंटरप्रेट करोगे काउंटर फीट प्रोटेक्शन सिस्टम कोड से और सिक्योरिटी थ्रेड थ्रेड से ठीक है द कलर डॉट्स एम्बर्ड इंटू पेपर ड्यूरिंग द मैनुफेक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी पेपर आर टिपिकली नोन एज काउंटर फीट प्रोटेक्ट सिस्टम कोड और सिक्योरिटी थ्रेड तो आई गेस ये दोनों ही करेक्ट ऑप्शन होंगे अगर आप ऑप्शन टू सेलेक्ट करते हो तो भी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन फोर सेलेक्ट करते हो तो भी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये सिक्योरिटी फ़ीचर ही होता है ठीक है इट इज़ अ सिक्योरिटी फीचर सो सिक्योरिटी थ्रेड की वजह से काउंटर फीट कोई भी इंडिविजुअल नहीं कर पाता इस वजह से हम उसे काउंटर फीट प्रोटेक्शन सिस्टम कोड भी बोलते हैं ठीक है अब यहाँ पे देखो जो ऑप्शन वन है इट इज़ यूजुअली रेफर टू स्मॉल मेटल डिस्क ये छोटा मेटल डिस्क होता है यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉइन्स एंड मेडल्स जब कॉइन्स और मेडल्स बनाए जाते हैं तब ये यूज होता है पेपर्स इसका कोई लेना देना नहीं है दे आर नॉट रिलेटेड टू द कलर डॉट्स इन द सिक्योरिटी पेपर्स अब जो सिक्योरिटी पेपर्स हैं ना वो नोट के लिए बनता है जो हमारे करेंसी नोट्स होते हैं उनके लिए तो कॉइन्स की अगर अब बात हो रही है तो हम यहाँ पे इसको कम्प्लीटली एलिमिनेट कर देते हैं काउंटर फीड प्रोटेक्शन सिस्टम कोड इज़ द टर्म कैन रेफर टू सिक्योरिटी फ़ीचर एम्बेड इन टू डॉक्यूमेंट और करेंसी टू डेफर काउंटर फीटिंग कलर डॉट्स पैटर्न और कोड् टू बी पार्ट ऑफ सच सिक्योरिटी फ़ीचर ये सारे सिक्योरिटी फ़ीचर हैं चाहे आप कोड्स की बात करो पैटर्नस की बात करो कलर डॉट्स की बात करो ये सारे काउंटर फीटिंग को प्रिवेंट करने के लिए बनाए जाते हैं तो इनको हम बोलते हैं काउंटर फीट प्रोटेक्शन सिस्टम कोड ठीक है नेक्स्ट वी हैव वाट वाटर मार्क आर अनदर टाइप ऑफ सिक्योरिटी फीचर इन पेपर बट दे आर टिपिकली क्रिएटेड कब क्रिएट किए जाते हैं बाय वेरिंग द थिकनेस और डेंसिटी ऑफ द पेपर ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के टाइम पे थिकनेस को चेंज करके क्रिएट किए जाते हैं वाटर मार्क्स आर यूजुअली रिकॉग्नाइजेबल व्हेन द पेपर इज हेल्ड अप टू लाइट एंड दे आर ऑफन फीचर डिजाइन ऑफ पैटर्न रैदर देन कलर डॉट्स ये एक तरीके का पैटर्न होता है एक फीचर होता है जब आप इसको ट्रांसमिटेड लाइट में या फिर आपका जो पेपर है उसको लाइट के अगेंस्ट करके देखोगे तो आपको ये वाटरमार्क दिखने लग जाएगा ये पेपर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के टाइम पे बनाया जाता है जो कि डैंडी रोल के थ्रू बनाया जाता है ठीक है तो ये हो गया वाटरमार्क सिक्योरिटी थ्रेड्स की अगर हम बात करें दे आर थिन थ्रेड और स्ट्रिप और कलर डॉट्स एम्बेडेड इन टू पेपर ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ये भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के टाइम पे ही पेपर में एम्बेड किया जाता है दे आर ऑफर कंटेन्ड यूनिक पैटर्न्स या तो यूनिक पैटर्न कंटेन करते हैं होलोग्राफिक एलिमेंट कंटेन करेंगे या कलर डॉट्स कंटेन करेंगे

फोकस करूँगी बिकॉज सिक्योरिटी थ्रेड आर द लाइक सेफेस्ट आंसर इन माई प्रस्पेक्टिव ठीक है लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्टी टू एवरी वन एलेबोरेट टी टी आई इन केस ऑफ फैक्सिमिली डॉक्यूमेंट्स ठीक है इसका टी टी आई का फुल फॉर्म हमको बताना है दिस फैक्सिमिली डॉक्यूमेंट मीन्स द एग्जैक्ट कॉपी इसका मतलब ही होता है एग्जैक्ट कॉपी ऑफ समथिंग options a transmitter terminal identifier transmitted terminal identification transformed terminal identification transmitted terminal identifier so it's a correct answer he, it stands for transmitter terminal identifier so option number one is the correct answer in the context of exact fax document tdi stands for transmitter terminal identifier it is a code for identifier used to specify sending or transmitting fax fax machine आइडेंटिटी और इन्फॉर्मेशन जब कभी भी आप डॉक्यूमेंट को फैक्स करते हो तो वो एग्जैक्ट कॉपी ही सेंड होती है ना तो जब फैक्स मशीन पे बात आती है सो टी टी आई स्टैंड और ट्रांसमिटर टर्मिनल आइडेंटिफायर और इसको आइडेंटिफाई जो सेंडर है उसको आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं इस पर्टिकुलर कोड से फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको फैक्स सेंड करा तो जब मैं सेंड कर रही हूँ तो एक टी टी आई जेनरेट होगा जिस कोड के थ्रू आप मुझे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि, कि किसने आपको सेंड किया है द टी टी आई इस टिपिकली इनक्लूडेड इन द फैक्सर और ऑन द टॉप ऑफ करा है उसके header के place पे corner पे आपको TTI देखने को मिलेगा इट हेल्प्स इन आइडेंटिंग ट्रांसमिशन विच कैन बी यूजफुल फॉर ट्रैकिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फैक्सड डॉक्यूमेंट ठीक है ये इस वजह से होता है ताकि आप ये आइडेंटिफाई कर सको ट्रेस कर सको फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको कोई uh, ऑफेंसिव फैक्ट्स भेज दिया या फिर कोई ऐसी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है जो किसी को पता नहीं होनी चाहिए बट मुझे पता है मैं ब्लैक मेल आपको कर रही हूँ तो अगर मैंने आपको सेंड करा इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉरेंसिक्स तो आपको कैसे पता चलेगा कि सोर्स कहाँ से ये आया है तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होती है टी टी आई इज़ यूज़फुलअर स्पेशली इन बिजनेस एंड कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट्स इसके लिए भी ये को ये एक टी टी आई बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रांसमिटर टर्म एंड आइडेंटिफायर सो दैट हमें ये पता लग सके कि कि किसने सेंड किया है वो पर्टिकुलर फैक्ट्स ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री पे फोकस करते हैं अपॉन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ फोटोकॉपिक डॉक्यूमेंट आप क्या कर रहे हो फोटोकॉपिक डॉक्यूमेंट का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर रहे हो ड्राई टोनर फ्यूज बाय विच मेथड रिजम्बल्स लिक्विड टार एंड हैज अ ग्लॉसी बबली अपियोरेंस ठीक है ड्राई टोनर केस के साथ फ्यूज है इट इस फ्यूज विथ लिक्विड टार या फिर एक ग्लॉसी अप्योरेंस है या बबली अप्योरेंस है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए हॉट सॉफ्ट रोलर कोल्ड प्रेस रेडियंट हीट या हीट एंड प्रेशर ये क्वेश्चन भी आपके क्यू डी के एरिया का ही है जिसमें आप सारी फैक्स मशीन फोटोकॉपी सब कुछ पढ़ते हो अपन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ अ फोटोकॉपिक डॉक्यूमेंट द ड्राई टोनर दट रिसेंबल लिक्विड टार एंड ग्लॉसी रबरी अप्योरेंस इज टिपिकली फ्यूज यूजिंग द मेथड ऑफ हीट एंड प्रेशर ठीक है अब एक एक करके देख लो हीट एंड प्रेशर सबसे पहले देख लेते हैं दिस इज द करेक्ट मेथड इन फोटो कॉपिंग मशीन्स ड्राई टोनर इज हीटेड एंड देन प्रेस्ड इन टू द पेपर जब आप फोटो कॉपी करवाते हो तो जो टोनर होता है वो ड्राइड रहता है उसको पहले हीट किया जाता है फिर उसको प्रेस करके आपके जो पेपर होता है हो, उसमें कॉपी किया जाता है विथ प्रेशर

क्योंकि वो उस पर पे पेस्ट किया जा रहा है ना एम्बेडेड तो है नहीं पेपर में राइट right प्रेशर भी नहीं लगाया जा रहा तो वहाँ पे आपको पेपर के ऊपर उठा हुआ बबली सरफेस देखने को मिलेगा इन केस ऑफ फोटो कॉपी एंड दिस इज द करेक्ट आंसर एक बार और देख लो हॉट और सॉफ्ट रोलर की बात कर लेते हैं दिस इज दिस ऑप्शन इज रिलेटेड टू कंपोनेंट यूज़ इन द फोटो कॉपिइंग प्रोसेस टू अप्लाई हीट एंड प्रेशर ये हीट और प्रेशर अप्लाई करने का जो प्रोसेस है उसका है हॉटर सॉफ्ट रोलर टू फ्यूज द ड्राई टोनर इन टू द पेपर द कॉम्बिनेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर इज इम्पॉर्टेंट फॉर पेपर प्रॉपर टोनर अटैशन बट इट डजेंट क्रिएट एनी ग्लॉसी और बबली अप्योरेंस ये उस प्रोसेस का हिस्सा है बट इट डो नॉट क्रिएट अ ग्लॉसी अप्योरेंस और बबली अप्योरेंस कोल्ड प्रेशर की बात करें इट्स अलोन डज नॉट फ्यूज एनी ड्राई टोनर इफेक्टिवली हीट इज़ रिक्वायर्ड तो ये कुछ करेक्ट आंसर क्रिएट नहीं करता रेडियंट हीट की बात करें वाइल रेडियंट हीट इज यूड यूज इन सम हीटिंग एलिमेंट ऑफ द फोटो कॉपीज इट्स टिपिकली कम्बाइंड विथ प्रेशर सो सिर्फ और सिर्फ हीट काम नहीं करेगी सिर्फ और सिर्फ प्रेशर काम नहीं करेगा हीट और प्रेशर को एक साथ कम्बाइन वे में काम करना पड़ेगा तब जाके ये ग्लॉसी बबली अपियरेंस आपके फोटो कॉपीड मटेरियल में आएगा ओके okay. सो so, ये जो पीडीएफ है जिसके थ्रू हम ये सारे क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं ये अवेलेबल है हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो कि हमारे यूजीसी नेट कोर्स का एक हिस्सा है अगर आप यूजीसी नेट जे की एग्जामिनेशन देने वाले हैं दिसंबर में एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट या फिर आपने प्लान कर लिया है कि इस बार जे क्लियर करना ही करना है नेट क्लियर करना ही करना है सो दीज टू कोर्स विल हेल्प यू अलॉट क्योंकि ये डिजाइंड है यू नेट एग्जाम के पैटर्न पे एंड वी, वीडियो लेक्चर कोर्स आपको मिल जाएगा स्टडी

टेन यूनिट्स आपके पेपर वन से और टेन यूनिट्स आपके पेपर टू से मॉक टेस्ट आपको वन फिफ्टी क्वेश्चन के मॉक टेस्ट मिलेंगे सेम सेम स्टिम्यूलेशन में आप पेपर दे सकते हो टाइमर भी चलता रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लास्ट टेन ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है विच इज़ वेरी अमेजिंग इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन जॉइन आर क्लासेस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी ऐप की ऐप में आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं आप फोन में भी क्लासेज अटेंड कर सकते हैं लैपटॉप या डेस्कटॉप में भी अटेंड कर सकते हैं सो डोंट फर्गेट टू जॉइन आर क्लासेज टू टू कम्प्लीट योर प्रिपरेशन एंड क्रैक द डिसम्बर एग्जामिनेशन ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड विद क्वेश्चन नंबर थर्टी

Vertical pattern separation. VPS stands for vertical pattern separation. Now, this vertical patterns pattern sorry, vertical protection system and ventral protection system are not common acronyms for the term which is associated with counterfeit protection system. So ventral pattern separation hai, it refers to the security feature in document in banknotes where pattern lines और मार्क्स आर प्लेस्ड वेंट्रिकली ऑन द डॉक्यूमेंट सरफेस दीस पैटर्न्स कैन बी डिजाइन टू डिटेर काउंटरफीट एंड मेक इट मोर डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट एक्यूरेटली इसका करेक्ट आंसर क्या है वर्टिकल पैटर्न सेपरेशन ये एक तरीके के सिक्योरिटी फीचर्स हैं डॉक्यूमेंट में जो बैंक नोट जिससे बनते हैं इसके अलावा इसमें जो लाइंस और मार्क्स है वो वर्टिकली प्लेस्ड होते हैं डॉक्यूमेंट के सरफेस पे और ये जो पैटर्न है ये काउंटर फीट से हमारे काउंटर uh, फीटिंग से हमारी बैंक नोट्स को बचाते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं प्रोड्यूस करना रिप्रोड्यूस करना और डॉक्यूमेंट को एक्यूरेटली बनाना इसी वजह से वर्टिकल पैटर्न सेपरेशन इज करेक्ट वर्टिकल पैटर्न सेपरेशन इज करेक्ट इसके अलावा ये सारे टर्मिनोलॉजीज एसोसिएटेड ही नहीं है देयरफॉर दीज आर नॉट द करेक्ट आंसर इट इज नॉट अलाइंट विद दी आंसर ठीक है लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ फीचर्स ऑफ ह्यूमन स्कल कैरेक्टराइज पीपल इन निगरॉयड एनसिस्ट्री तो निगरॉइड एनसिस्ट्री में कैरेक्टराइजिंग फीचर क्या है ह्यूमन स्कल का सो so, यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको दिए हुए हैं ये बहुत लंबे लंबे ऑप्शन हैं मैं ये पूरे पूरे नहीं पढ़ने वाली हूँ बस आपको बता देती हूँ ऑप्शन वन इज द करेक्ट जिसमें वाइड नेसल अपर्चर है प्रोजेक्टिंग फेस है रेक्टेंग्युलर आई ऑर्बिट है ये तो हमेशा से आपने जब आप फर्स्ट ईयर में अपने फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी पढ़ी होगी तब से ये एकदम याद होना चाहिए आपको रेक्टेंग्युलर आई ऑर्बिट आर द प्रोमेंट फीचर ऑफ प्रोमेंट फीचर ऑफ निग्रोड एनसेस्ट्री अब तो ये आई गेस बहुत कम हो गया कि हम इनको एनसेस्ट्रल वे में क्लासीफाई करें लो एंड राउंडेड नैजल रूट भी एक तरीके का एक प्रोमोनेंट प्रोमनेंट फीचर है ठीक है यहाँ पे नैरो नेजल अपर्चर है ही नहीं मीडियम भी नहीं है मीडियम नेजल अपर्चर नहीं होता बहुत वाइड नेजल अपर्चर होता है नेग्रोय हिस्ट्री में ठीक है सो so, ये जो फीचर्स हैं दीज आर टिपिकली एसोसिएटेड विथ निग्रोड एंस तो एक बार आप ये इम्पोर्टेंट फीचर्स देख लेना ठीक है यहाँ से आपको फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी वाला पोर्शन शुरू हो गया जो यूनिट टेन में है ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी सिक्स द कैलबरीज कस्प इज मोस्ट कॉमनली फाउंड अमंग द डेंटिशन ऑफ ठीक ये टिपिकल कैरेक्ट्रिस्टिक फीचर्स है इफ आई एम टेलिंग इट रॉन्ग इफ़ आई एम स्पेलिंग इट रॉन्ग दैन प्लीज करेक्ट मी के चाइनीज अमेरिकन इंडियंस मोंगलॉयड एंड कॉकसॉइड तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रोमनेंट फीचर है मोंगलॉयड्स का ये आपके डेंटिशियन में एक तरीके का पैटर्न होता है विच इज़ फाउंड इन मोंगलोइड डेंटल ट्रेड विच इज कैरेक्टराइज बाई अ स्मॉल एक्स्ट्रा कस्प ऑन द मोलार्स किसमें होता है ये मोलार्स में आपके देखने को मिलेगा ये एक एक्स्ट्रा वी कैन से दिस इज दिस इज द एक्स्ट्रा थिंग सो दिस इज द एक्स्ट्रा थिंग कैसा होता है फॉर एग्जाम्पल लेट से ये टीथ है ठीक एंड दिस इज रूट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कस्प होता है जिसको हम बोलते हैं कैरबिल्स कस्प जो कि मोंगलोइड एनसस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट फीचर है इट इज़ मोर फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन मोंगोलॉइड पॉपुलेशन विच

टेक्ट इनहेरिट इन द लेटर राइटिंग लेटर राइटिंग एस्पेक्ट इनहेरिट इन द लेटर राइटिंग ठीक है सीक्वेंस ऑफ स्ट्रोक में हम क्या पता करते हैं कि कौन सा स्ट्रोक पहले बनाया गया है कौन सा स्ट्रोक बाद में लगाया गया है राइट सो so इसमें जो रनिंग आउट और स्प्रेडिंग ऑफ ल्यूड है इंक का वो किसमें एग्जिस्ट लाइक इंटू एग्जिस्टिंग इंक इज ऑल्सो नोन एज इट इज इनहेरिट इन द लेटर राइटिंग ठीक है बाद में जब आप लिखते हो तो when using a writing instrument with fluid ink fluid like ink such as a pen the spreading or running out of ink into existing ink stroke is an aspect that is inherent in later writing as you continue to write the liquid ink can naturally flow into, the, into and modify the appearance of previously written strokes Creating a characteristic feature of writing process. It is not primarily a modification of the first writing, which is option number one, and all the other options. Option two is the most correct option for this question. Okay.

एरिया है इम्पैक्ट का वो बहुत वाइड है किस में बोन में तो हम इसे क्या बोलेंगे शार्प फोर्स ट्रामा ब्लंट फोर्स ट्रामा प्रोजेक्टाइल ट्रामा और स्टैटिक ट्रामा हम इसको बोलते हैं ब्लंट फोर्स ट्रामा ब्लंट फोर्स ट्रामा सिर्फ और सिर्फ किसी प्रोजेक्टाइल से नहीं किसी दूसरे किसी हैवी ऑब्जेक्ट से भी बनाया जा सकता है बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लो वेलोसिटी अगर वेलोसिटी हाई होती तो वाइड एरिया कवर नहीं होता वो एरिया छोटा हो जाता अफकोर्स जो इंजरी uh, है वो काफ़ी प्रोमिनेंट होती पर एरिया कभी ज़्यादा नहीं होता एरिया हमेशा

स्किन अगर बुलेट है तो पेनेट्रेट फिर भी करेगी पर अगर दूसरे और प्रोजेक्टाइल्स है तो हो सकता है अगर स्लो है वेलोसिटी अगर सुपर स्लो वेलोसिटी है तो पेनेट्रेट ना भी करे क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे हाई होती तो हंड्रेड परसेंट पेनेट्रेशन होता ठीक है एक बार देख लेते हैं व्हाट इज अ शार्प फोर्थ ट्रॉमा इट इज अ टाइप ऑफ इंजरी विच इज कॉज्ड बाय शार्प एज Or pointed objects such as knife or blade typically results in penetrating wounds rather than wide or non-penetrating impact, which is associated with blunt trauma. Projectile trauma ki baat kare it is usually involves injury which is caused by high velocity projectiles. ki bullets, ya fir, other um, other rocket-like structure. It is different from low velocity blunt force trauma. स्टेटिक ट्रोमा इज नॉट रिकोगनाइज टर्म इन फोरेंसिक और मेडिसिन इन कॉन्टेक्सट और डज नॉट डिस्क्राइब अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंजुरी तो इसको हम कंप्लीटली एलिमिनेट कर देते हैं ये ऐसे ही कुछ आउट ऑफ नो वेयर टर्म है सो करेक्ट आंसर इज ब्लड फॉर स्ट्रोमा लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन आफ्टर डेथ द प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ द बॉडी टिश्यू बाय द डाइजेस्टिव फ्लूड्स नॉर्मली रिसाइडिंग इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक इज टर्म्ड एज आफ्टर डेथ जो डी डी जनरेशन की प्रोसेस होती है बॉडी टिश्यूज की डाइजेस्टिव फ्लूड्स की वजह से जो कि नॉर्मली इंटेस्टाइन में होते हैं उसको हम कैसे टर्म करेंगे हम बोलेंगे डायोजेनेसिस होमो होमोजेनाइजेशन ऑटोलाइसिस या प्यूटरफेक्शन या प्यूट्रिफिकेशन जैसे भी आप बोलते हो हम इसको बोलेंगे ऑटोलाइसिस ठीक है इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्यूट्रिफिकेशन क्योंकि डिजनरेशन हो रहा है ना सो बट प्यूट्रिफिकेशन इज जब बॉडी सड़ने लग जाती है ठीक है बट यहाँ पे जो डिजनरेशन हो रहा है आप बॉडी फ्लूड्स डाइजेस्टिव फ्लूड्स की वजह से उसको हम बोलेंगे ऑटोलाइसिस ऑटोमीन्स ऑटोमेटिक या फिर सेल्फ Right, so autolysis is the correct answer for this. Autolysis is a process of self-digestion that occurs in the body after death, it involves the breakdown of tissues by enzyme and other substances that were originally present in within the body. This process leads to initial stage of decomposition. It is a part of decomposition. It is a part of decomposition, but it comes under autolysis because it is a self-digestion thing. ठीक है देन यूटरफ putrefaction. इट इज़ अ लेटर स्टेज ठीक है ये सबसे लास्ट वाला स्टेज है डिकम्पोजिशन का जब बॉडी सड़ने गलने लग जाती है दैट इन्वॉल्व द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर बॉडी टिश्यूज दैट लीड्स टू the रिलीज ऑफ गैस एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ डी जो बहुत पंजियंट और बहुत ज्यादा um, गंदी सी स्मेल आती है वो यहाँ पे शुरू हो जाती है इट फॉलोज ऑटोलाइसिस इन द डिकम्पोजिशन प्रोसेस इट इज फॉलोड बाई autolysis. ठीक है अर्ली स्टेज बोल सकते हो, होमो होमोजेनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ सब्सटेंस मोर यूनिफॉर्म एंड कंस्टेंट इन कंपोजिशन तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है हमारे इस क्वेश्चन से डाइजेनेसिस इज द जियोलॉजिकल टर्म विच इज नॉट रिलेटेड विद दिस प्रोसेस ठीक है the, uh, तो इसको भी कंप्लीटली कोई लेना देना नहीं है इसका सो करेक्ट आंसर इज ऑटोलाइसिस योर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी जो हम लास्टली डिस्कस करेंगे इस वीडियो में द प्रेजेंस ऑफ इंसेक्ट्स ऑन अ कैडोवर बट नॉट फाउंड इन द सराउंडिंग एरिया इंडिकेट्स दैट द कैडोवर वॉज स्टिल फ्रैश द कैडोवर वॉज डिसप्लेस द एम्बी एंड प्रेसर सराउंडिंग द कैडोर वॉज टू लो द इंसेक्ट वेर एबसेंट इन द एरिया सो इससे क्लियरली ये समझ में आता है कि जो बॉडी है जो बॉडी है वो डिस्प्लेस करी गई है पहले कहीं और थी और अब उसे कहीं और ला के रखा गया है क्योंकि अगर इंसेक्ट्स आ चुके हैं बॉडी में तो इट्स नॉट फ्रेश इसको तो कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दो ठीक है अगर टेम्परेचर लो है अगर टेम्परेचर लो है तो भी इंसेक्ट बहुत जल्दी ग्रो नहीं करते अगर टेम्परेचर लो रहेगा तो डिकम्पोजिशन भी बहुत स्लो हो जाएगी ना अगर कोल्ड टेम्परेचर है टेम्परेचर लो है तो डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगी डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगी तो इंसेक्ट्स लेट से आएंगे बहुत लेट से आएंगे है ना अगर आप लो टेम्परेचर पर रखते हो तो वो बहुत लंबे समय तक सही रहेगी टेम्परेचर अगर नॉर्मल है या जितना रहता है थर्टी फाइव डिग्री थर्टी सेवन तो अपने एक एक पर्टिकुलर टाइम पे इंसेक्ट्स भी आने लग जाएंगे और डिकम्पोजिशन शुरू हो जाएगा ठीक है So this is the correct option. Option number टू is the correct option for this question so that's it for this video everyone we are finishing this video here in the next video we will start with question number 41 aise karke hum 10 10 questions ke videos bana rahe so that ek bar mein aap 10 questions cover kar lo and then fir next 10 question and then next then next 10 questions ओके सो थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैव अ ग्रेट डे है टेक केयर ऑफ़ योर सेल्स एंड एफ इट इफ इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन आर क्लासेज विच हैव अमेजिंग अमेजिंग कंटेंट बहुत अच्छी क्लासेस हैं बहुत इंटरेक्टिव लाइव सेशन लाइव लेक्चर्स भी होंगे पी डी एफ नोट्स अगर आप रेफर कर रहे हो हमारे सो कोई दूसरी और बुक वगैरह रेफर करने की जरूरत नहीं है एज सच यूनिट वाइज टेस्ट आपको मिल जाएंगे जो कि आपको प्रिपेयर कर देंगे एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट के बाद यू विल भी हंड्रेड परसेंट रेडी प्रीवियस ईयर टेन ईयर क्वेश्चन अगर आप कर लेते होते 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 हो अच्छे से देन नो वन के Can stop you. Okay. Thank you so much for watching this video, everyone. Have a great day ahead. Take care of yourselves and see you guys in the next video. Till then, take care. Bye bye.